नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कितना स्कोप है, या 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आप कितना पैसा कमा सकते हो। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्रेज 2020 में कितना है। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होगा, कोडिंग इन्वॉल्व होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि कोडिंग इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज है जो आपके सॉफ्टवेयर के करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि जैसे आप HTML बेसिक जाते हो, उसके बाद HTML5, HTML के एडवांस वर्जन आ गए, तो वो अपग्रेड आपको अपने आप में करना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अपने फ्रंट एंड डेवलपर हो तो अपग्रेड करना जरूरी है, जावा डेवलपर हो उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड कर, क्योंकि बहुत सारी मशीन लर्निंग लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज C++ है, उसमें अपग्रेडेशन की बहुत सारी लैंग्वेज मतलब आती रहती है। तो उसमें जब आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो बहुत सारी लैंग्वेज सीख करके अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हो। करंट टाइम की बात करें 2020 में, तो जिस तरह से वेबसाइटों का बूम वर्डप्रेस पे है, उसी तरह से ऐप की मार्केट भी अपने पीक पॉइंट पे रहेगी। तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जब से आया तब से जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे वेबसाइट हो गई, ऐप हो गया, फिर अदर कोई चीज हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, CRM हो गया, इनका स्कोप बढ़ता गया। क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट देती है। जैसे पहले होता था कि हमें 50 बंदों को मेंटेन करना, हम नहीं मेंटेन कर पाते। ऐसे ऐसे CRM, ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि हम घर बैठे उन 50 बंदों को लाइव ट्रैक कर सकते हैं, घर बैठे हम उन बंदों को बता सकते हैं कि ये काम करो, असाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उस टेक्नोलॉजी के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो अपने आपको इंप्रूवमेंट लाओगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। और 2020 एक अलग लेवल का जाने वाला आप लोगों के लिए, और सैलरी पैकेज भी उसी तरह से। स्टार्टिंग की सैलरी पैकेज मैं बता दूं, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10 से 15 हजार की सैलरी मिलती है, उस टाइम बीत गया। 25 से 30 35 40 50 हजार रुपए पर मंथ इंडिया में मिल सकता है, अगर उसके अंदर नॉलेज है। फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉलेज है तो कैंपस प्लेस होकर के या फिर ऑफलाइन भी जॉब लेकर के वो अपने करियर को एक अलग लेवल पे लेकर के जा सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं अभी करंट टाइम में, बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी कंपनी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही काम करती है, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करेंगी तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब जनरेट करेंगी, और जब जॉब जनरेट होगी तो ऑब्वियसली आपका करियर भी ग्रोथ बढ़ेगा। इंडिया में भी है, जो छोटी से छोटी कंपनी थी, बड़ी से बड़ी कंपनी थी, सब डिजिटलाइजेशन हो गया। एक वर्ड है डिजिटलाइजेशन, की मतलब डिजिटली कन्वर्टेड हो गए। और डिजिटली जब कन्वर्जन होता किसी भी चीज का, तो उसमें IT इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बना के बताता हूं ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझो, कॉलेज में होता है वो, या फिर पास आउट होते हो, चीजें नहीं समझ पाते हो, लोग आपको बहका देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, आपको खुद नहीं समझ में आता है कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। तो ये चीजें जब तक आप समझोगे नहीं, अपने आप को महसूस नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 2020 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत पीक पॉइंट है। जो भी आना चाहते हैं, चाहे वो PHP डेवलपमेंट, चाहे वो HTML में, चाहे ऐप डेवलपमेंट में, अच्छा खासा करियर है ऐप डेवलपमेंट में, जिनको इंटरेस्टेड वो जरूर आए अच्छी खासी पैकेज पे। 8 से 10 लाख की पैकेज इंडिया में, 2 साल 4 साल के एक्सपीरियंस पे आप ऐप डेवलपमेंट में ले सकते हो। नेक्स्ट लेवल का टेक्नोलॉजी है ऐप डेवलपमेंट, तो वहां पे मतलब टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये थी बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्कोप, और उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।